हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में बताने वाला हूं फेरी वाला काम के लिए कुछ टिप्स। फेरी वाला काम चाहे कपड़ा को हो या सब्जी का हो या कोई और भी चीज़ का फेरी करते हो, उसी के बारे में कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, जिसे अपना करके अपने जीवन में आप फेरी वाला काम में सफल हो सकते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लगातार देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेरी का कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ का फेरी कर रहे हो, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना और बार बार अपनी ओर आकर्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ सुझाव बता रहे हैं, उसे अपनाइए और जीवन में फेरी वाला काम में सफल होइए। तो दोस्तों, आप अपने बैकग्राउंड में आपका क्या है, आप जब फेरी में निकले हैं तो किस माइंडसेट के साथ निकले हैं, क्रोध है या खुश है या पॉजिटिव है, यह कोई देखने नहीं जाता है। आप जब घर से निकलते हैं तो आपके मुंह पर कोई भी ग्राहक, कोई भी आदमी देखता है कि किस तरह का ये इसका स्वभाव है। वो तो बात करने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले चेहरा देखेगा। आपका चेहरा जो है ना, पूरी तरह से हंसमुख होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चेहरा क्रोध से भरा हुआ है, उदास है, तो आपको फेरी वाला काम करना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप फेरी वाला काम कर रहे हैं तो आपका चेहरा पूरी तरह से खिला हुआ रहना चाहिए, जिससे लोगों को जो है ना, आपको देखते ही आपसे बात करने का मन करे, आपसे खरीदारी करने का मन करे। इस तरह का आपको जो है ना स्वभाव, हंसमुख चेहरा होना चाहिए। आप अपने ग्राहकों से जब भी बात करें तो मिलनसार स्वभाव के हिसाब से बात करें। ऐसा लगे कि कई बार मिल चुके हैं इस ग्राहक से, इस तरह से बात करें ताकि बात करते करते आपसे मिल घुल जाए और ख़रीदारी करने के लिए रेडी हो जाए। अपने ग्राहकों का जवाब धैर्यपूर्वक दें, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, हुलबुला कर नहीं दें, क्योंकि हुलबुला कर देंगे तो ग्राहक को ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए धैर्यपूर्वक, शांति से, अच्छे से ग्राहक के जो भी सवाल है उसका जवाब दें और ग्राहकों से बात करें। ग्राहकों को सम्मान करें, चाहे ग्राहक कोई भी हो, बच्चा हो, सियान हो, लड़की हो, लेडीज हो या चाची हो, कोई भी हो। कस्टमर कस्टमर भगवान के रूप होता है, इसलिए दोस्तों आपके पास जो भी ग्राहक आता है उसको सम्मान कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, उससे प्रेम से बात कीजिए। कपड़ों की अच्छा जानकारी रखिए, जैसे कि कपड़ा का डिजाइन, कलर, क्वालिटी, और इसके साथ साथ जो है ना दाम पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों ग्राहकों को ऐसा ना लगे कि हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। ज़्यादा पैसा अगर ले भी रहा है तो उसको क्वालिटी के बारे में बताइए कि अच्छा क्वालिटी है, डिजाइन अच्छा है, ये सब बताइए, तो कस्टमर को ऐसा ना लगेगा कि ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो सब कुछ कपड़ा के बारे में जो है ना अच्छे से जानकारी रखें, ग्राहकों के पसंद के हिसाब से उसको कपड़ा दिखाइए। पसंद कैसे पता चलेगा कि इसका पसंद क्या है, तो उनसे पूछिए कि आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, किस रेंज में चाहिए, ये सब पूछ सकते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह का कपड़ा इसको चाहिए, उसी हिसाब से आप दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, वो जो भी कपड़ा पसंद करता है ग्राहक, उसकी पसंद को आप प्रशंसा कीजिए, ताकि उनको भी वो कपड़ा जो सामान खरीदना चाहते हैं उसके लिए और वो मोटिवेट हो और कपड़ा खरीदने के लिए रेडी हो। कपड़े बेचने के लिए, मोल भाव के लिए पहले से ही एक अलग विचार बना कर रखें। जैसे कि कोई भी सामान अगर आपको 150 में बेचना है तो पहले से विचार बना कर रखें कि हम इसको 170 180 बोलेंगे तो कम मोल भाव करके जो है ना 150 तक बेच देंगे। जो सामान 100 रुपये तक बेचना है उसको 120 रुपये, ऐसे करके जो है विचार बना करके रखे, जो है ना मोल भाव करने के बाद भी मैं इतना में उसको दे दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, ये ऐसा एक विचार पहले से ही बना कर रखें, ताकि आपको जो है ना सेल करते समय आपको परेशानी ना हो और आप ज़्यादा जो है ना टेंशन, प्रेशर ज़्यादा ना लें। इसके लिए पहले से ही विचार बना करके रखें। अगर ग्राहक कपड़ा ज़्यादा खरीद रहा है, बहुत सारा आइटम खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का खरीद रहा है आपसे, तो उसे कुछ ज़्यादा छूट दे सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाए और
अगले बार जब आप फिर आए कपड़ा बेचने उसके एरिया में तो फिर आपसे खरीदना चाहें। इसलिए जब ज़्यादा सामान वो ले रहा है आपका ग्राहक तो उसको थोड़ा ज़्यादा छूट दीजिए। ग्राहकों से संबंध अच्छा रखें, ग्राहकों के नाम के साथ साथ जो है ना उसके क्या पसंद है, एक बार जब ले लिए हैं आपसे तो आपका तो उसको नाम मालूम हो या ना हो, नाम भी मालूम होना रहेगा तो अच्छा रहेगा, नाम मालूम रहेगा तो, लेकिन चेहरा तो याद रहेगा ना। तो एक बार जब ले लिया है तो उसके चेहरा के साथ आप कौन सा सामान उसको पसंद है वो भी याद रखें, ताकि जब अगले बार उसके पास जाए माल बेचने कपड़ा बेचने तो उसके पसंद के हिसाब से दिखा सके। क्योंकि आपको पहली बार जब माल लिया है कपड़ा लिया है सामान लिया है तो आपको मालूम पड़ गया है किस तरह का ये सामान लेता है, तो इस तरह से जो है ना शक्ल के साथ नाम के साथ उसकी चीज़ों को भी याद रखें। जब जब जाए गांव में जो आपका पुराना कस्टमर है वो सबसे जो है ना नए नए जो भी डिजाइन आया है उसके बारे में बातचीत करते रहें कि कौन सा कपड़ा नया डिजाइन में आया है। अगर आप ऑफर वाला सामान बेचते हैं तो ऑफर भी बताते रहें कि इस कपड़ा में इस तरह का ऑफर है, इस कपड़ा में इस तरह का ऑफर है, तो आप जो है ना अगर ऑफर वाला कपड़ा बेचते हैं तो ऑफर भी जानकारी देते रहें। ऑफर वाला कपड़ा नहीं बेचते हैं तो जो नया नया डिजाइन आया है उसके बारे में ग्राहकों सूचित करते रहें, और साथ ही साथ दोस्तों उनसे फीडबैक भी लेते रहें कि पिछले बार हमने जो कपड़ा दिया था उसका कलर कैसा था, डिजाइन कैसा था, कैसा लगा आपको जब यूज किए, तो फीडबैक भी लेते रहें। आप जो कपड़ा बेच रहे हैं वो जो है ना साफ सुथरा अच्छे से फोल्ड करके रखें, जैसे कि कस्टमर को दिखाया तो छिटा उठा गया तो उसको फिर से जो है ना अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से रखें, ताकि देखने में अच्छा लगे, साफ सुथरा से रखें। आप कस्टमर को दिखाते हैं, बहुत सारे भाई देखते हैं कि पल्ली बिछा के तिरपाल बिछा के दिखाते कपड़ा के कि कौन कौन सा कपड़ा है, तो जब दिखाए तो अच्छे जगह पे दिखाए, साफ सुथरा जगह पे, और अपने कपड़ा के अच्छे से साफ सुथरा सफाई रखें। अपने कपड़े को जब फेरी में निकलते हैं तो बारिश और धूप से भी बचाए, ताकि कलर के साथ जो है ना आपका कपड़ा भी बचा रहे। धूप पर बारिश पर जो है ना थोड़ा भी बारिश पड़ेगा धूप पड़ेगा तो डिसकलर होने लगता है, इसलिए अपने कपड़ा की सुरक्षा करें धूप से बारिश से। कपड़ा जब बेचते हैं या कोई भी सामान का फेरी करते हैं तो जो आपको पास कैश अमाउंट आता है उसको जो है ना नकदी जिसको बोलते हैं उसको अच्छे से संभाल के रखिए। बड़ा बड़ा नोट को अलग पॉकेट में रखिए, और छोटा छोटा सीलर को जो वापस करना होता है कस्टमर को उसको साइड में रखिए, ताकि कस्टमर को फिर वापस करने में आपको कोई पैसे की गलती ना हो गिनने में लेने देने में, इसलिए पैसे को अच्छे से संभाल करके मेंटेन करके रखिए। क्योंकि मेरा जो है ना कितना बार 500 दो बार 500 रुपया खो गया अच्छे से ना मेंटेन करने की वजह से, तो इसलिए जब भी आपके पास अमाउंट आता है कैसा आता है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। पैसा निकालते समय जो है ना जेब से निकालते समय, कस्टमर को लेते देते समय या कपड़ा बेचते समय मोबाइल का यूज ना करें। बाद में यूज कर सकते हैं लेकिन उस समय यूज करेंगे तो आपको पैसा लेने देने में हिसाब करने में या कपड़ा के जब देते हैं कस्टमर को उस समय भी भूल सकते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आप फेरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं बेच रहे हैं कस्टमर है उस समय जो है ना मोबाइल का यूज ही मत कीजिए, कितना भी फोन आ रहा है साइलेंट में रखिए, ताकि काम पर फोकस तो जाएगा ही साथ ही साथ आप कोई गड़बड़ भी नहीं कर। आप मौसम के अनुसार कपड़े बेच सकते हैं, जैसे कि गर्मी में हवला सूती कपड़ा और ठंडी में गर्म और ऊनी कपड़ा, तो आप मौसम के हिसाब से त्योहारों के हिसाब से और ऋतुओं के हिसाब से भी बेच सकते हैं। त्यौहार और ऋतु में बहुत कुछ ऑफर छूट भी कर सकते हैं, जिससे कि है ना लोग आकर्षित हो आपकी तरफ, क्योंकि बहुत सारा फेरी वाला है तो नहीं करता है ऑफर या छूट नहीं करता है, लेकिन आप छूट कर रहे हैं त्यौहार और ऋतुओं के शुभ अवसर पर, तो इसलिए अपने अलग अलग तरीके से ऑफर्स लगाते रहें अगर लगाना चाहे तो, आगे आपकी मर्जी है। क्योंकि सेल आपको बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं।
अगर आप छोटे मोटे कपड़ा बेचते हो, बड़ा कपड़ा बेच रहे हैं, साथ में छोटे कपड़ा भी बेचते हैं, साथ में रखे हो, तो उससे भी दिखाइए, क्योंकि बार बार ऐसा होता है ना कि आप बड़े कपड़े दिखा रहे हैं और छोटे कपड़े के बारे में किसी को बताया ही नहीं। इसलिए जब कपड़ा बड़ा कोई खरीद रहा है, बड़ा आइटम बेच रहे हैं, तो अगर छोटा कपड़ा साथ में रखे हैं तो बड़ा कपड़ा के साथ साथ है ना छोटा वाला कपड़ा भी दिखाइए कि मेरे पास ये भी है, ताकि जिसको ज़रूरी होगा वो लेगा। इसलिए आप जितना भी सामान रखते हैं वो सारे चीज़ के बारे में बताएं लोगों को। लोगों को और आकर्षित करने के लिए दोस्तों अपने फेरी वाले में जूता चप्पल अगर रख सकते हैं तो रखिए, घड़िया जो कि टाइम देखने वाला घड़ी, चश्मा, ये सब भी रख सकते हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होगा कि हाँ ये फेरी वाला ये सामान भी रखता है। तो इसलिए आप अपने फेरी में कुछ आकर्षक जो है ना चीज़ें रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ग्राहकों से संबंध अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि फेरी वाला काम में संबंध सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संबंध अच्छे रखें, किसी से जो है ना बात खराब मत करें। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, उनके लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।